हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो फॉर क्लास 10 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन दैट इज द रिवीजन ऑफ चैप्टर फर्स्ट। जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे, कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है, हम अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल लेते हैं जो हम घर पर नॉर्मली यूज करते हैं। टेक सम वाटर, कुछ पानी लीजिए, किसी बर्तन में पानी लीजिए, पुट इट ऑन बर्नर, इसको बर्नर के ऊपर रखिए, पुट इट ऑन बर्नर, मिक्स टी लीव्स एंड शुगर इन इट, उस पानी के अंदर थोड़े से टी लीव्स चाय की पत्ती एंड शुगर और चीनी मिलाइए और उसको बर्नर पर रखकर गर्म कीजिए, बॉइल इट, इसको उबालिए और दूध को मिक्स कर दीजिए, इट विल चेंज इनटू रेड लिक्विड, थोड़ी सी देर में ये एक रेड ब्राउन रेडिश कलर का एक लिक्विड सा बन जाएगा, यानी आप लेकर चले बहुत सारी चीज़ें और वो लास्ट में बन गई कोई नई चीज़। ये सिर्फ समझने के लिए एग्जांपल है, सिर्फ समझाने के लिए कि दो या दो से ज़्यादा प्रकार की चीज़ें या एक से ज़्यादा प्रकार की चीज़ें मिक्स होकर जब नई चीज़ बनाती हैं तो उसी को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जब लेकर चलें कुछ और वो नए पदार्थ में बदल जाए तो कहा जाता है कि रिएक्शन हो गई है। जब हम लेकर चलें कुछ और बन जाए कुछ, यानी कि पुरानी चीज़ें जो लेकर चलेंगे वो अपना रूप चेंज कर लेती हैं, तो इसी को बोलते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप होते हैं, उनको बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। यानी जब पुरानी चीज़ों से नई चीज़ बनती है हम उसको नॉर्मली केमिकल रिएक्शन के नाम से बोल सकते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, ये केमिकल चेंज का एग्जांपल है। दूध से दही बनने के अंदर बहुत सारी छोटी छोटे 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 चेंजेस होते हैं जिनमें कई पदार्थ दूसरी नई चीज़ों में बदल जाते हैं। जैसे लैक्टोज नाम की शुगर लैक्टिक एसिड में बदल जाती है। दूध से दही में बदलना तो बोला जाएगा केमिकल चेंज, और जो ये छोटे छोटे स्टेप हैं जैसे लैक्टोज शुगर से लैक्टिक एसिड बनना, दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है वो बनना, ये बोली जाती है केमिकल रिएक्शन। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन जब एक जगह पर हो जाती हैं तो वो केमिकल चेंज बोली जाती है। यानी कि कुल मिलाकर हम केमिकल रिएक्शन के बारे में बोल रही हैं। व्हेन वन और मोर, जब एक या एक से ज़्यादा चीज़ सब्सटेंस चेंज बदल जाती है इनटू न्यू सब्सटेंस, नए सब्सटेंस के अंदर रिएक्शन इज सेड टू बी अकर, तो बोला जाएगा कि रिएक्शन हो गई है जब एक या एक से ज़्यादा चीज़ें नई चीज़ में बदल जाए। एग्जांपल लेते हैं हम, टेक आ मैग्नीशियम रिबन, एक मैग्नीशियम की पत्ती लेंगे, छड़ लेंगे, टुकड़ा लेंगे, मैग्नीशियम एक मेटल होती है, क्लीन इट विथ सैंड पेपर, उसको साफ कीजिए, सैंड पेपर आता है, सैंड पेपर के साथ साफ कीजिए, टू रिमूव, क्यों साफ करते हैं इसको, टू रिमूव लेयर ऑफ इट्स ऑक्साइड, जो इसके ऊपर इसके ऑक्साइड हैं उनकी लेयर हटाने के लिए, कार्बोनेट, अगर कोई कार्बोनेट है उसकी लेयर को हटाने के लिए, हाइड्रोक्साइड की लेयर को हटाने के लिए, ताकि अगर हम इसके आगे किसी चीज़ से रिएक्शन करवाएं तो ये बढ़िया तरीके से रिएक्शन कर सके। उनकी रिएक्शन करवाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको साफ करते हैं ताकि ये साफ़ हो जाए और अच्छे से रिएक्शन कर पाए। नाउ पुट इट ऑन बर्नर, अब इसको बर्नर के ऊपर रखिए, इट विल बर्न विद डैजलिंग फ्लेम, डैजलिंग होता है चमकी चमकदार चकाचौंध करने वाली फ्लेम के साथ जलेगी, आ वाइट पाउडर, एक वाइट कलर का पाउडर मिलेगा, जिसको हम कहाँ पर कलेक्ट करते हैं, हम बर्तन के अंदर कलेक्ट करते हैं, तो इसको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर क्या लिया गया है, ये बर्नर है,
इसके ऊपर ये मैग्नीशियम की रिबन है, तार है, जो भी आप बोल सकते हैं, टोंग के साथ इसको पकड़ा हुआ है और इस फ्लेम के ऊपर लगा। यहाँ से एक वाइट कलर का पाउडर बनकर नीचे गिरेगा। हम लेकर चले थे मैग्नीशियम की रिबन और एट लास्ट में बन गया वाइट पाउडर। तो ये एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो केमिकल रिएक्शन के लिए इसको थोड़ा ध्यान से देखें कि केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, कि जब हम लेकर चले कुछ और बन जाए कुछ। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ये एक बर्तन है, इस बर्तन के अंदर पोटासियम आयोडाइड का सॉल्यूशन घोला हुआ है, पानी के अंदर पोटासियम आयोडाइड घोला हुआ है और दूसरे के अंदर PbNO3 लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन घोल रखा है। जब हम Ki के सॉल्यूशन को लेड नाइट्रेट के अंदर डालेंगे तो वहाँ पर रिएक्शन होगी Pb, और उस रिएक्शन से मतलब कि वो पुरानी चीज़ें नए सब्सटेंस में बनेंगे, एक पीले कलर की चीज़ ऊपर आएगी, येलो कलर की। यानी लेकर चले हम कुछ चीज़ें और बन गई नई चीज़, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। ये देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर क्या है, एक टाइट्रेशन फ्लास्क लगा रखी है। टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर हमने जिंक मेटल गिरा रखी है, फिर इसके ऊपर हमने क्या लगा रखी है, एक थीसिल फनल लगा रखी है। इसके अंदर हमने क्या लगा रखा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लगाया है, इसको बोलते हैं थीसिल फनल। जो ये है टाइट्रेशन फ्लास्क जो नीचे रखी हुई है, क्या बोलते हैं इसको, टाइट्रेशन फ्लास्क। इसके अंदर ये थीसिल फनल है ताकि हम यहाँ से एसिड गिरा सकें। और एक ये ट्यूब जो बाहर निकली हुई है, इसको डिलीवरी ट्यूब बोलते हैं, उसको बाहर पानी में लगाया हुआ है। जैसे ही हम इस थीसिल फनल का मुंह खोलेंगे, नोब को दबाएंगे, यहाँ से एसिड गिरेगा और ये एसिड क्या करेगा, इससे कुछ भी रिएक्शन करेगा और फिर क्या हो जाएगा, इसके बाद यहाँ से कुछ बनकर निकलेगा और फिर हम उसको वहाँ पर ऑब्टेन करेंगे। यानी लेकर चले हम जो सब्सटेंस, उससे नई चीज़ यहाँ पर मिलेगी, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। इसके अंदर जिंक ने रिएक्शन की है और साल्ट और वाटर बनाया है। तो अब हम इस चीज़ को यहाँ पर पढ़ते हैं तो क्या बोला जाएगा, सब्सटेंस विच टेक पार्ट, जो पार्ट लेते हैं उनको बोला जाता है जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और जो पैदा होते हैं, जैसे यहाँ पर पैदा हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो अब हम इनको यहाँ पर रिएक्टेंट, दी सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, आर कॉल्ड रिएक्टेंट, उनको रिएक्टेंट बोला जाता है। जो चीज़ें केमिकल रिएक्शन में भाग लेती हैं उनको बोला जाता है, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हमने जलाया है तो ये दोनों ने पार्टिसिपेट किया, तो ये दोनों रिएक्टेंट हैं। प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स किसको बोलते हैं, दी सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड, जो बनते हैं इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में चीज़ें बनती हैं, आर कॉल्ड प्रोडक्ट, उनको प्रोडक्ट बोला जाता है। जो चीज़ें लेकर चलते हैं वो रिएक्टेंट, और जो चीज़ें बनती हैं वो प्रोडक्ट कहलाती हैं। प्रोडक्ट तो हम इनको बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब है केमिकल इक्वेशन। अब इसको लिखने का तरीका देखिए, अगर कोई रिएक्शन लिखनी है तो हमें कितने स्टेप बनाने पड़ते हैं, ध्यान से देखिए। टेक अ मैग्नीशियम रिबन, क्लीन इट विथ सैंड पेपर, फिर आगे लिखेंगे नाउ पुट इट ऑन बर्नर, इट विल बर्न विद डेजलिंग फ्लेम, ए वाइट पाउडर इज फॉर्म्ड। ये देखो, एक रिएक्शन को लिखने के लिए कितने स्टेप लिखने पड़ते हैं, ये तो बहुत मेहनत का काम है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, आगे किसी भी रिएक्शन को लिखने का एक छोटा तरीका बनाते हैं। वो क्या करते हैं, उस छोटे तरीके को बोला जाएगा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है, दी रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट करना, ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना इनटू वर्ड, शब्दों में और सिंबल, या सिंबल चिन्हों के रूप में।
यानी उस रिएक्शन को आप वर्ड के रूप में लिखेंगे या चिन्हों के रूप में लिखेंगे, तो उसको बोला जाता है इक्वेशन। ये दो टाइप की होंगी, वर्ड इक्वेशन, सिंबल इक्वेशन। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जो वो छह लाइनें बनी थी कि टेक मैग्नीशियम रिबन क्लीन इट विद सैंड पेपर, उसको एक लाइन में भी लिखा जा सकता है। ये देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि ये है वर्ड के रूप में, ये वर्ड लिखे हुए हैं, इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या होगी? द इक्वेशन इन विच रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज वर्ड, किसी रिएक्शन को वर्ड के रूप में लिखना वर्ड इक्वेशन कहलाता है, किसी रिएक्शन को वर्ड के रूप में लिखना। अब भी ये लंबा प्रोसीजर था तो साइंटिस्ट इसके बाद और छोटा करते हैं, सिंबॉलिक इक्वेशन। अब वो हर चीज के सिंबल यूज करेंगे, जैसे मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन का सिंबल O2 और जो चीज बनी है MgO। यानी कि अब क्या यूज किया जाएगा? द इक्वेशन इन विच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ सिंबल, जहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उस इक्वेशन को बोला जाता है सिंबॉलिक इक्वेशन, जैसे Mg प्लस O2। देखिए कितना लंबा प्रोसीजर था, जहाँ पर किसी रिएक्शन को दिखाने के लिए छह लाइनें यूज हो रही थी, छह लाइनों के अंदर वो रिप्रेजेंट की गई थी। फिर उसके लिए छोटा तरीका आया वर्ड इक्वेशन के रूप में, सिर्फ एक लाइन में रिप्रेजेंट होनी शुरू हो गई। फिर इससे और छोटा तरीका अपनाया गया, Mg प्लस O2 डेट इज MgO। किसी रिएक्शन को छोटे तरीके से दिखाना इक्वेशन कहलाता है। इसमें एक एरो लगी होती है बीच में, एरो से इधर वाली साइड को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और उधर वाली साइड को राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वो चीज़ें आती हैं जो रिएक्शन में भाग लेती हैं, और राइट साइड में वो चीज़ें आती हैं जो बनती हैं रिएक्शन के अंदर, बनती हैं। तो वो कहाँ आएंगी? राइट साइड के अंदर आएंगी।